कौन है ये? पता नहीं, बाउंसर्स बुलाता हूँ, वो हैंडल कर लेंगे। बाउंसर? ए, छोड़ना, सुनना कितना अच्छा गा रहा है, गाना खत्म करने दे। क्या बेहतरीन आवाज है, कौन है? I want to meet him. कौन है आप? देखिए जो कोई भी है प्लीज लाइट में आइए। ये आवाज रॉकिंग स्टार रियलिटी शो में होनी चाहिए, प्लीज लाइट में आइए। Nice, no? ये तुमने गाया? हाँ, युवान, युवान सिंह राठौर। ये आवाज तो द रॉकिंग स्टार रियलिटी शो में होनी चाहिए। यही कहा था ना आपने, मानेंगे ना कि हमारा युवान रॉक स्टार बनने के लायक है। आपने बन्नी को चुनौती दी थी, अब जब बात युवान की हो ना तो बन्नी ना चुनौती देखे ना चुनौती देखने वाला। आपने कहा था ना कि अगर 20 लोगों को भी युवान का गाना अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप उसे इस द रॉकिंग स्टार प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका देंगे, है ना? और देखो ना, अटे तो 20 लोगों से ज्यादा लोगों को युवान का गाना पसंद आया और उन्होंने तालियां भी बजाई, तो आप इसे मौका देंगे ना? और साथ में ये भी तो कहा था कि वो जज की कुर्सी छोड़ देगा। ओ गॉड, अब ये कि उसको भड़का रही है, इनका सर घूम गया फिर। देंगे ना? युवान सिंह राठौर। बात तो है वास्तव में, बट युवान तुम एक बात भूल रहे हो। क्या कहा था मैंने कि हम एक रॉकस्टार को ढूंढ रहे हैं, और सिर्फ टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टाइल, स्वैग, पर्सनालिटी भी मैटर करती है ना? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम ये कॉम्पिटिशन जीत गए, और अब तुम युवान सिंह राठौर नहीं हो, तुम रॉकस्टार युवान हो।
तो फिर तुम्हें इन सवालों का जवाब दे के ये साबित करना होगा कि तुम एक्चुअली में रॉकस्टार हो। क्वेश्चन नंबर वन, तो युवान रॉकस्टार युवान, अगर आप किसी कॉन्ट्रोवर्शियल केस में फंस जाते तो आप क्या करना? अगर युवान फंस जाएगा तो वो बन्नी दुल्हन को बुलाएगा और बन्नी दुल्हन उसे बचा लेगी। हाउ स्वीट। दूसरा सवाल, अगर किसी फैन ने या किसी लड़की ने आपको लव स्कैंडल में फंसा दिया तो आप क्या करेंगे? जी, मैं तुरंत बन्नी दुल्हन को बताऊंगा और बन्नी दुल्हन मुझे वहां से निकाल देगी। क्यूट राइट? और मान लो युवान अगर अगर स्टेज पे कोई हादसा हो जाए, पूरा स्टेज टूट जाए या फिर आग, तो रॉकस्टार युवान क्या करेगा? तुम यहाँ मत देखो, तुम यहाँ हमारी आंखों में देखो, हमारी आंखों में देखो युवान। युवान बड़ी दुल्हन के पास आएगा, ऐसे ऐसे बड़ी दुल्हन की आंखों में आंखें डाल के देखेगा और सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, है ना बड़ी दुल्हन? सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बन्नी दुल्हन की आंखों में देखने से एकदम से पानी का फवारा निकलेगा और आग बुझ जाएगी, राइट? जो भी या ये भी हो सकता है कि तुम जल के राख हो जाओ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। नाह, बन्नी, तालियां मारिए बन्नी के लिए, प्लीज कम ऑन। क्योंकि गाना भले युवान गाता पर असली रॉकस्टार तो बन्नी है, क्योंकि युवान ने कहा है ना, बन्नी सब संभाले, है ना युवान? बन्नी के लिए। आपने वायदा किया था कि आप चुनौती पूरी होने पर आप युवान को मौका देंगे, आप अपने शब्दों से ऐसे पीछे ना हट सकते। अपने पति की इज्जत संभालो, बार बार मुझसे सबके सामने इसकी बेइज्जती मत करवाओ। दिखा दिया ना मैंने तुम्हें, दिखा दिया कि ये रॉकस्टार बनने के लायक नहीं है, और तुमने खुद सुना कि गाना गाने के अलावा ये हर चीज के लिए तुम पे डिपेंडेंट है। योर हस्बैंड इज अ लूजर। और जहां तक मुझे लगता है, एक लूजर रॉकस्टार नहीं बन सकता। मैं अगस्त्या कपूर हूं एंड आई एम अ टोटली गॉन केस। ये प्रॉमिस वादा ये सब करके तोड़ने में ना मुझे बहुत मजे आते हैं, इसका फनी अलग होता है। या अब तमाशा खत्म। सर नेक्स्ट शॉट, प्रिया कम।
एक बात तो रही गई जान में, आज टीजी ने तुम्हें बहुत बुरी तरह से डांटा और मैं कुछ कर नहीं पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी गलती नहीं थी, जरूर उस बन्नी ने तुम्हें भड़काया होगा। बस माफी मांग ली और बात खत्म। अगर आज बन्नी बीच में नहीं आई होती तो ताईजी का थप्पड़ तो हमारी इज्जत ही बिगाड़ के रख देता। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है जानवी, मेरा दिल तभी टूट रहा था जब वो तुम्हें डांट रही थी। And I swear, अगर कोई और होता उसका मुंह तोड़ देता मैं। लेकिन अब टीजी को क्या बोलूं? जानवी, मैं टीजी के साथ इसलिए हूं क्योंकि वो मुझे प्रॉपर्टी में वो हिस्सा देगी जो मेरे सगे दादोसा ने मुझे नहीं दिया, और ये सब मुझे अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए चाहिए जानवी, ताकि मैं तुम्हें जिंदगी में सारी खुशियां दे सकूं। जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ताई जी सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रही है, वो ढीला नहीं देने वाली हमें। अगर कोई इस घर में ऐसा है जिसकी जुबान पे भी वही है और दिल में भी, वो सिर्फ और सिर्फ बननी है। युवान, तारी गोली। थैंक यू। हेलो, कुछ समझ ना आ रहा है, क्या करेंगे कैसे करेंगे? अरे पन्नी दुल्हन, तुम ना ज्यादा परेशान मत हो। अब देखो, युवान ने तो गाना गा दिया, पर मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगी। ऐसे कैसे, आज ऑडिशन का आखिरी दिन था युवान, अगर आज उन्होंने युवान को नहीं लिया तो युवान आगे कैसे जाएगा? ऐसा था बन्नी भाभी सा, अगर हमारी टीचर ही हार मान जाएगी तो कैसे चलेगा? सब कुछ अच्छा होगा अब इसके आगे, देखना उस अगस्त्य कपूर की गर्दन अब हमारे हाथ में है। ये देखिए वीडियो। हाँ दिखा दिखा। देखिए, कोई इंसान इतना क्रूर, इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है, स्पेशली अगर कोई इंसान डिसेबल्ड हो तो क्या आप उसका मजाक उड़ाएंगे? लेकिन मिस्टर अगस्त्य कपूर ने कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि युवान का गाना 20 लोगों को भी पसंद आता है तो वो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। अगर 20 लोगों को भी युवान सिंह राठौर का गाना पसंद आ गया तो उसको टॉप 10 में जाके कम्पीट करने का मौका मिलेगा। चैलेंज पूरा करने के बाद भी उस घमंडी रॉकस्टार अगस्त्य कपूर ने अपना ईगो इतना बड़ा कर लिया कि वो खुद का प्रॉमिस ही भूल गया। शाबाश, मैं अगस्त्य कपूर हूं एंड आई एम अ टोटली गॉन केस। ये प्रॉमिस वादा ये सब करके तोड़ने में ना मुझे बहुत मजे आते हैं, इसका फन ही अलग होता है। योर हस्बैंड इज अ लूजर, और जहां तक मुझे लगता है एक लूजर रॉकस्टार नहीं बन सकता। ये क्लिप मैंने एडिट करके सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे डाल दिए और अब ये वीडियो ट्रेंड कर रही है बॉयकॉट अगस्त्य कपूर के नाम से। वीडियो तो मस्त है मायरा, बहुत अच्छी है। पर इससे हमें क्या फायदा? फायदा हो सके युवान, अब इसी चलते दबाव में आकर उस अगस्त्य कपूर को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़े। गरम गाड़ी रोको। अगस्त्य अब घर आने ही वाला है, क्या हुआ? छोड़ना ब्रो, क्या करना घर जाके। धर्म एक काम कर, गाड़ी वापस घुमा ले। एक सेकंड धर्म। ब्रो, योर हस्बैंड इज अ लूजर, और जहां तक मुझे लगता है एक लूजर रॉकस्टार नहीं बन सकता। व्हाट द हेल, नहीं 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 नहीं, तो बहुत गलत सीन हो गया यार। Your husband is a loser. और जहां तक मुझे लगता है एक लूजर रॉकस्टार नहीं बन सकता।
गॉड, आई एम शॉक्ड। बन्नी ने उस अगस्त के सामने युवान की परफॉर्मेंस भी करवा दी, पर हम में से किसी को भनक तक लगने नहीं दी। टू गुड। हाँ, माननी भाभी साहब को पता ही नहीं चला क्या अभी तक? इतनी बड़ी बात हो गई और अभी तक खामोश है वो। क्योंकि टीजी के फोन का इंटरनेट नहीं चल रहा, सिर्फ कॉल चल रहे हैं। और वैसे भी उन्हें लगता है कि युवान ऑडिशन पे गया था लेकिन गाना नहीं गा पाया। उसके बाद ये सब हो गया, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है। बनी आओ नाश्ता कर लो, आओ। दादू साहब, तभी तो अब तक उस फंटूसी सासुमा ने कोई बवाल ना मचाया, पर स्वभाव से वो पॉपकॉर्न है ना, उछले बिना मरेगी ना। दादू साहब आइए नाश्ता कर लीजिए। परेशान मत हो बन्नी, वो यहाँ नहीं है। हमने अभी विरासत से सुना कि ताई जी किसी जरूरी काम से, बहुत जरूरी काम से सुबह ही दिल्ली निकल गई। हाँ हाँ डॉक्टर, मैं थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच रही हूँ। आपने एयर एम्बुलेंस से मेरे भाई को एयरलिफ्ट तो करवा लिया ना, और उसकी सर्जरी की सारी बुकिंग्स? ओके, मैं बस पहुंच रही हूँ। जी जी के लिए भाभी साहब। हाँ। पूरे इंटरनेट पे बवाल मच गया है, देखिए हिला के रख दिया ये वीडियो ने। 3 लाख के ऊपर लाइक्स मिले और अभी तक ट्रेंड कर रहा है। 3 लाख लोगों ने देखी? हाँ, पूरे जोधपुर में आग लग गई है भाभी। और कमेंट्स में तो देखिए क्या बैंड बजाई है उस अगस्त्य की। वाओ, बंदे का टैलेंट तो देखो, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है। That's it. Boycott Agastya Kapoor. Boycott Agastya Kapoor. Boycott Agastya Kapoor. क्या ego इस Agastya में? पहले तो मैं इसकी बहुत बड़ी फैन थी, पर आज से इसका गाना सुनना बंद। Boycott Agastya Kapoor. Boycott Agastya Kapoor. Boycott Agastya Kapoor. शाबाश मायरा। जे बात। Boycott Agastya Kapoor. Boycott Agastya Kapoor. Boycott Agastya Kapoor. Boycott Agastya Kapoor. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।